कपास श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र में बोई जाती है, जिसमें सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर किसानों को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी छोटा सा पीले शरीर व सफेद पंख का कीट है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसता है, जिससे पत्तियां सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं। सफेद मक्खी दिखाई देते ही नीम आधारित जैविक कीटनाशी 5 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर तरल साबुन प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। सफेद मक्खी की संख्या को नियंत्रित करने वाले मित्र कीट जैसे मकड़ी, लेडीबर्ड बीटल और क्रैसोपरला को संरक्षित करें। सफेद मक्खी का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर यानी पौधे के ऊपर की 3 पत्तियों की निचली सतह पर औसतन 8 से 12 वयस्क सफेद मक्खी या 16 से 20 सफेद मक्खी के निम्फ पाए जाने पर ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए थायोमिथोक्साम 25 WG 0.5 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 20% SP 0.4 ग्राम या थायोक्लोप्रिड 240% SC 1 मिलीलीटर या डाइफंथ्यूरॉन 50% WP 1 ग्राम या फ्लोनिकामाइड 50% WP 0.3 ग्राम या स्पाइरोमेसिफेन 22.90% SC 1.20 मिलीलीटर में से किसी एक कीटनाशी रसायन का प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय विशेष ध्यान रखें कि पत्तियों की निचली सतह पर कीटनाशी रसायन का छिड़काव अवश्य हो। किसान भाई इन बातों का ध्यान रखकर अपनी कपास की फसल को सफेद मक्खी से होने वाले नुकसान से बचाएं। अधिक जानकारी के लिए निकट के कृषि कार्यकर्ता या किसान कॉल सेंटर के निशुल्क नंबर 1880-1551 पर संपर्क करें।